बन गया गाजर का हलवा, ऑलमोस्ट क्या रेडी हो गया। कितना ये पूरा भरा हुआ था ना, कितना कम हो गया, खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो गाइस जैसा कल बताए थे, रुको आज बनाएगी गाजर का हलवा। और आप नीचे देख सकते हो, ये एक मिनट, ये देखिए बहुत दिन के बाद बना रहे गाजर। आज वैसे भी हम लोग का गैस खत्म हो गया सुबह सुबह, अभी खाना खाए तो जैसा बोली रुको कि गाजर का हलवा भी बनाएंगे, क्योंकि एक दो दिन में हम लोग घर जाने वाले हैं, तो खा लेते हैं गाजर का हलवा भी। इसमें क्या क्या मिलाएगी, दूध सब दिखाएगी आपको ब्लॉग में, बने रहिए। तो अभी छीलने का कार्यक्रम हो रहा है, छील लेगी पूरा गाजर को। इसमें क्या है, ज्यादा मेहनत है, बहुत लगता है, इसलिए छोड़ देते नहीं बनाते हैं। मेहनत बहुत है ना, बहुत मेहनत लगता है, तो इसको छीलो, मेहनत लगता है वो ज्यादा टेस्ट आता है। इससे छेद रही है ना, इसको नीचे बिठा देते हैं स्टैंड को ना। ठीक आ रहा है ऐसे। बहुत मेहनत है, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना तो डबल कलर का, एक येलो एक रेड पिंक। गर्मी लग रहा है, ये ऑन कर दे रहे हैं। तो अभी छील पाई है, बहुत देर मेहनत की बेचारी। देखिए ये देखिए कितना खूबसूरत, अभी जाते हैं कितना सारा दिख रहा है ना, लेकिन एकदम थोड़ा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इतना है, इतना आधा हो जाएगा। इससे देखिए वो छिलका कितना छिलका निकला, छिलका देख रहे कितना सड़ गया सारा, पुराना वाला था ये, लेकिन कितना पूरा रेड रेड दिख रहा है, मजा आ रहा है देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है। चीनी डाल के एक फोटो ले लेते हैं, इसको कल ले क्या है, लकड़ी का हाँ। इससे बनाएगी, इससे बहुत अच्छा लगता है हाँ। बनाने में भी और देखने में भी। ये मेरा गन वाला लाइटर, तेरा फेवरेट है। अभी इसमें घी ऐड करेंगे, सुने ना तुम बोलो। शुद्ध देसी घी, लो इसको धो के रखो, घी निकालने का प्रोसेस चालू है, एक खत्म होगा तो दूसरा घी आ जाएगा। इतना हो गया, दो दिन का है ये बस। रुको अभी तुम्हारे मुंह में एक मिनट के अंदर, दस गिनने के अंदर पानी आ जाएगा। ठीक, अब बता दें, इमेजिन करो छोटा वाला जो आम आता है, अभी आम का सीजन आ रहा है, छोटा छोटा कच्चा वाला छील के खाती है, इमेजिन करो कितना की खट्टा लग रहा है। अरे मजा आएगा, उसके पास लेना चाहिए काला नमक ले लीजिए, और लाल वाला भुंडी मिर्ची जो रहता है वो वाला, रेड वाला दोनों मिक्स कर लीजिए भाई। और टाइम लगेगा इसका भी, देखिए थोड़ा बहुत कलर चेंज हो गया, सब पूरा कलर चेंज हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, रेड से ऑरेंज हो जाएगा। इसका अभी पानी छोड़ रहा है, पानी सूख जाएगा पूरा, उसके बाद फिर इसमें दूध डाल देंगे। तो फोन देख रहे हैं ना,
तो सब दूध डालेगी बस और भी दूध लगेगा और दस मिनट हो गया, 10 मिनट के बाद चेक करके देख रहे फिर से। पूरा सूख गया इसका पानी, कलर भी पूरा एकदम चेंज हो गया, एकदम दानेदार दिख रहा है। ये देखिए क्या देखने में अच्छा लग रहा है, इसका खुशबू भी बहुत अच्छा है। तो गाइस ये बन गया गाजर का हलवा, ऑलमोस्ट क्या रेडी हो गया। कितना ये पूरा भरा हुआ था ना, कितना कम हो गया। खूबसूरत लग रहा है देखने में, ध्यान से देखिए पूरा बन के पूरा ब्लर हो रहा है। अब ठीक है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, देखिए एकदम टेस्टी दिख रहा है, एकदम टेस्टी। बहुत दिन बाद देखिए टेस्ट करके देखो बाबू, टेस्ट करके कैसा है। ये देखिए गाजर का हलवा, वाओ सच में कसम से बहुत टेस्टी यार। तो गाइस गाजर का हलवा का रेसिपी हुआ कंप्लीट। दोपहर से थोड़ा सा भूख रखे हुए थे, ये खाएंगे और भी बहुत सारा बचा हुआ है, अच्छा बना रहे। बाबू तुम करे, टेस्टी लग रहा है देखने में, ही टेस्टी लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी बनाइए खाइए, हम लोग भी अब खाते हैं, खाने के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो गाइस कैसा लगा आप लोग को आज का रेसिपी बताइएगा जरूर, और आगे आप किस चीज की रेसिपी एक्सपेक्ट करते हैं वो कमेंट में बताइए, क्योंकि इसको सब बनाने आता है, ब्लॉग भी कंप्लीट हो जाता है इसी बहाने। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और जो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी। थैंक यू, वीडियो चाहेंगे खत्म करना हो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।